एक जंगल में गोपीनाथ नाम का साधु रहता था। गोपीनाथ बहुत ही दयालु इंसान था। वह हमेशा गरीबों के लिए कुछ करने की कोशिश करता। जब भी वह किसी इंसान को दुखी देखता तो उसे बहुत तकलीफ होती है। इस दुनिया में न जाने कितने लोग परेशान हैं। उन सबके लिए किसी को तो आगे आना ही होगा। मैं कैसे इन मजबूर इंसानों की मदद करूं? गोपी सभी के बारे में सोचते हुए जंगल में तपस्या करने लगता है। फेम क्रीम हीम क्रीम सुप्रभात सुपर पावर हीम क्रीम हीम क्रीम गरीबी हटाओ ओम फट स्वाहा ओम फट स्वाहा। फेम क्रीम हीम गोपी बहुत दिनों तक तपस्या करता है। काफी दिनों तक तपस्या के बाद अचानक उसके सामने देवता प्रकट होते हैं। मेरे बच्चे आंखें खोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं इस दुनिया के गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दुनिया में हर रोज कई परिवार भूखे पेट ही सो रहे हैं। कईयों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, कोई अपनी बुढ़ापे से लाचार है तो किसी को कोई भी काम नहीं मिल रहा। गोपी, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम अपने लिए कोई भी वरदान मांग सकते हो। प्रभु, मुझे कुछ ऐसा वरदान दो जिससे मैं इन सारे गरीबों के लिए कुछ कर पाऊँ। ठीक है गोपी, तुम जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, आज से इस पेड़ से जब भी तुम कोई पत्ती तोड़ोगे तो वह सोने का बन जाएगा। और साथ ही मैं तुम्हें ही शक्ति भी देता हूँ, जब भी कोई मुसीबत में पड़ेगा तुमने देख पाओगे और तुम उनके पास प्रकट हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी को वरदान देकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। गोपी आंखें बंद करके देखने लगता है कि उसके आसपास में कौन कौन परेशान है। अरे रामू, अपने बेटी के विवाह के बारे में क्या सोचा है? वह तो शादी के योग्य हो चुकी है। पता नहीं करीम भाई, अब मैं क्या करूंगा? 2 सालों से सही से काम भी नहीं हुआ, अब तो कर्ज भी इतना हो चुका है कि लोगों से मांगने भी जाओ तो वे दरवाजे से ही भगा देते हैं। यह तो तुमने सही कहा, काम तो मेरा भी सही से नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं ही तुम्हें कुछ उधार दे देता। वैसे करीम भाई, आपका भी काम ठीक नहीं चल रहा क्या? हाँ रामू, कुछ समय से मेरा भी काम कुछ ठीक नहीं चल रहा, बस अपने परिवार को जैसे तैसे संभाल रहा हूँ। मैंने तो सोच लिया है, अगर कुछ भी न हो सके तो मैं अपना घर बेचकर रूपा की शादी कराऊंगा। इतनी जल्दबाजी मत करो, अगर मुझसे कुछ हुआ तो मैं कोशिश करूंगा मदद करने की। इतना कहकर करीम वहां से चला जाता है। करीम के जाते ही गोपी साधु राम के पास प्रकट होते हैं। परेशान ना हो रामू, तुम्हें अपना कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं। तुम अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करवाना। अब कौन है साधु महाराज? मैं तुम्हारे ही जैसा एक साधारण सा इंसान हूँ, मुझे देवता ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। इसका मतलब देवता हमारी तरफ भी देखते हैं? मुझे तो लगता है देवता हमें जमीन पर उतार कर भूल जाते हैं। यह सोने की पत्ती अपने पास रखो, इसे सुनार को बेचकर धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करना, और जो बचे उससे अपने बाकी का जीवन खुशी खुशी जीना। गोपी राम को सोने की पत्ती देकर वहां से गायब हो जाता है। गोपी फिर से अपने पेड़ के पास वापस आ जाता है। कितना आनंद आता है किसी की मदद करने के बाद। पता नहीं लोग क्यों एक दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। अब जरा देखता हूँ और कौन कौन परेशान है। गोपी फिर से आंखें बंद कर लेता है। गोपी को फिर से एक इंसान दिखता है। इतना बड़ा खेत होने के बाद भी मैं इस पर फसल नहीं उगा सकता। अगर कहीं से मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं दिन रात मेहनत करके अपने खेत को फसलों से भर देता। लगता है मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी।
गोपी सुरेश के पास प्रकट होते हैं। सुरेश, तुम्हें अपनी जमीन बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कौन हो महाशय? मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? हाँ सुरेश, ये पत्ती सोने की है, इसे बेचकर तुम अपने खेत के लिए सामान खरीदना और भरपूर फसल उगाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। एक बात याद रखना सुरेश, दान करने से कोई भी गरीब नहीं होता। जब भी तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिले तो अपने समर्थ के अनुसार मदद करने की कोशिश करना, इससे देखना तुम्हारी और भी ज्यादा तरक्की होगी। जी बाबा, मैं आपके इन बातों का जरूर ध्यान रखूंगा। गोपी सुरेश को पत्ती देने के बाद वहां से वापस लौट जाता है। सुरेश की गरीबी भी दूर हो जाती है। धीरे धीरे गोपी बहुत सारे गांव वालों की मदद कर देता है और हर एक की मदद करने के बाद गोपी उन्हें दान पुण्य करने की बातें बताता। एक दिन की बात है, काफी समय से कोई भी कुछ नहीं भाग रहा था। गोपी को बहुत हैरानी होती है। आज काफी लंबा समय बीत गया, किसी ने भी किसी चीज की मांग नहीं की। आखिर लोग कुछ मांग क्यों नहीं रहे? लगता है मुझे जाकर देखना होगा। गोपी पैदल गांव में घूमता रहता है। तभी गोपी के सामने आश्चर्यजनक घटना होती है। भाई साहब, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। सफर के दौरान मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। क्या आपके पास कोई काम मिलेगा? जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, पहले थोड़ा भोजन कीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ। इस गांव में आपको बहुत सारा काम मिल जाएगा। वह आदमी रामू के साथ चला जाता है। ये देखकर गोपी बहुत खुश हो जाता है। अब पूरे गांव वालों की परेशानियां दूर हो चुकी थीं, क्योंकि गांव वाले एक दूसरे की मदद करने लगे थे। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। गांव वाले समझ चुके हैं कि अगर वे एक दूसरे की मदद करेंगे तो उन पर कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार किसी इंसान का परीक्षा लेना चाहूंगा। गोपी एक आदमी के पास जाता है। भाई साहब, मैं इस गांव में नया आया हूँ, आते ही चोरों ने मेरा सारा सामान छीन लिया। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं जिससे मैं अपने घर लौट सकूँ? आप कुछ भी कह लीजिए बाबा, लेकिन हमारे गांव में चोरी नहीं होती। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। हमारे गांव में सभी बहुत प्रेम से रहते हैं। अगर आपको पैसों की आवश्यकता है, मैं आपको जरूर दूंगा। यह लीजिए, आप कुछ पैसे रख लीजिए। अगर कम हो तो बताना, मैं कुछ और इंतजाम कर दूंगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर इस गांव में सब इतने दयालु क्यों हैं? हर कोई मदद करने के लिए आगे आ जाता है। सिर्फ यही गांव नहीं, इंसान चाहे तो दुनिया का हर गांव हमारे गांव जैसा बन सकता है। बस उनके दिलों में मदद करने की भावना होनी चाहिए। एक महापुरुष ने कहा था, इंसान की मदद करने के बाद जो आनंद आता है, वह आनंद और किसी चीज में नहीं। तुम लोगों का विचार तो बहुत अच्छा है, इस गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी पास से सुरेश गुजर रहा था। अरे बाबा जी, आप, ये तो वह बाबा जी हैं जिन्होंने हमारे गांव की मदद की। इनकी ही वजह से आज हमारा गांव इतना खुशहाल है। क्या तुम सच कह रहे हो? बाबा जी, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना, मुझे पता ही नहीं था आप ही हमारे गांव के रक्षक हैं। कोई बात नहीं, मैंने जिस उम्मीद से गांव की मदद की थी, मेरा मकसद पूरा हो चुका। अब मैं इसका को छोड़कर जा रहा हूँ किसी और गांव में। बाबा, आप इस गांव को छोड़कर क्यों जा रहे हो? आप हमें छोड़कर मत जाओ। जाना तो मुझे पड़ेगा, अभी और भी बहुत सारे गांव वाले हैं जिन्हें मेरा इंतजार है। बाबा, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। जब भी कहीं पर कोई मुसीबत आएगी, मैं वहां आ जाऊंगा। गोपीनाथ उस काम को छोड़कर जाने लगता है। गांव के कुछ लोग उदास होकर पीछे से उसे देखते रहते हैं। संदेश: किसी की मदद करने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता। हमारे लिए सबसे खुशनसीबी की बात यही है कि ऊपर वाले ने हमें देने वाला बनाया है,
मांगने वाला नहीं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना जरूर। आगे आपको किस तरह की कहानी चाहिए आप यह भी बता सकते हैं।